पीपल वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम पटना के एक मशहूर हस्ती धनवंत सिंह राठौर जी के साथ खड़े हैं। आपको बताते चले कि धनवंत सिंह राठौर जी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पिछले 25 सालों से सामाजिक सेवाओं में अपना योगदान देते आ रहे हैं। कैसे देते आ रहे हैं इसके बारे में हम आपको बड़ा ही रोचक विषय बता रहे हैं कि ये अपनी आमदनी का 50% हिस्सा सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का संकल्प ले चुके हैं और इसी कड़ी में इन्होंने है सो गरीबों के बीच में है सो पुराने वस्त्रों का वितरण, उसके बाद जो है सो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को सहयोग और कई समस्याओं को लेके है सो सरकार का ध्यान आकर्षण कराते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, पत्रिका निकालते हैं, नशा मुक्ति को लेके है सो कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये तमाम चीजें करते आ रहे हैं। अभी हम इनके बीच में इसलिए मौजूद हैं, इसलिए चर्चा करने के लिए आए हैं कि इस जो महामारी फैली है कोरोना की, उसमें जो सरकार ने लॉकडाउन किया है, कई लोगों के अंदर में आहार का संकट खड़ा हो गया है। इस संकट में ये लोग के बीच में खड़े हुए हैं और पिछले 20 दिनों से लगातार लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जब इनका संकल्प है कि हम किसी से चंदा नहीं लेंगे, सहयोग नहीं लेंगे, तो किन परिस्थितियों में इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल करके किन परिस्थितियों में पैसा आया और इन्होंने समाज को सेंड किया। हाँ, तो बताइएगा आपके पास जो फंड था जिससे आपने है सो लोगों को सहायता पहुंचाई, ये कहाँ से आया, कैसा फंड था? और पहले तो आपको नमस्कार, हमारी बात को समाज के सामने रखने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्ष 1995 से जब हमने आईएएस की तैयारी छोड़कर सामाजिक कार्य की शुरुआत की, तो हमने एक संकल्प लिया कि जो भी कमाई उसका कम से कम 50% सामाजिक कार्य होता है। और इन्हीं संकल्पों के साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, माँ पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, उन संकल्पों के साथ 25 साल हमने जिया है। अभी जैसे आपने कहा कि कोरोना जैसा विश्वव्यापी जो आपदा आया हुआ है, महामारी आई हुई है, लॉकडाउन घोषणा के अगले दिन ही हमने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों की जानकारी देके कि पटना स्थित किसी भी व्यक्ति को खाने की असुविधा हो, किराना की असुविधा हो, आप हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे 4000 से अधिक नंबर पर हमने व्हाट्सएप भी की और अपने संस्था से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भी जानकारी दी। रही बात कि मैं ये पैसा कहां से खर्च किया, किन लोगों ने सहयोग किया, ऐसा हमने कोई संकल्प नहीं लिया है कि लोग हमसे चंदा नहीं लेना या सहयोग नहीं लेना। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 25 वर्ष का सामाजिक जीवन में आज तक एक व्यक्ति को ऐसा नहीं हुआ कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप ये सहयोग लें। और मैं हर दिन एक कार्य में काम पर अपनी बढ़ता दी और उससे जो भी कमाया, कम से कम आधा, यहां तो कहें कि ज्यादा भी हमने सामाजिक कार्य में खर्च किया। ये पैसे जो अभी हमने एक बड़े खर्च हमने किए हैं, ये चर्चा की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपने कहा है तो हम रखते हैं कि एक व्यवसाय हमने शुरुआत किया, उसके लिए हमने कुछ मित्रों से कर्ज के रूप में हमने पैसा लिया था जो लगभग 10 लाख रुपए थे। और लॉकडाउन घोषणा से कुछ दिन ही पहले एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड हमारे मित्र का ही है, जो बिल्डर है, उनके द्वारा भी इनकम के रूप में TDS काट के 2,14,000 कुछ रुपए मिले। और लॉकडाउन के पीरियड में एक कंपनी है कजारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी रियल एस्टेट से ही जुड़ा हुआ है, जिसके हमने सैकड़ों प्लॉट हमने बेचा है, वहां से भी कमीशन के रूप में 72,000 कुछ पे लॉकडाउन के पीरियड में आया, जहां से हमने लगभग 1 करोड़ से ऊपर पे हमने कमाया है। आज भी कंपनी के पास एक बड़ा पैसा लगभग करोड़, 13 लाख रुपए की राशि जो आपने बिजनेस के लिए या फिर कहीं से कमाया था, ये किया था। आप अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र न करते हुए देश के भविष्य का फिक्र कर किए और लोगों को है सो जगह जगह जाकर है सो सहायता राशि प्रदान की। देखिए, हमने 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन का डेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार घोषणा की थी और हमें लगा कि 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन की सीमा है, इसलिए हमने लोगों से आग्रह किया था कि मैंने 14 अप्रैल तक यदि जिनको इस तरह की समस्या हो आप हमें फोन करेंगे। और ईश्वर के आशीर्वाद से जहां से ये बातें आई हमने उनका सहयोग किया, 4-5 जगह खाना भी बनते थे, उससे भी लोगों में वितरण किया गया, ठोस अनाज भी दिए, बहुत जगह हमने आर्थिक रूप से नगद के रूप में भी हमने मदद की। जो लोग यहाँ आते थे हमारे पास में और दूरी से रहते थे, तो हमें लगता था कि उनको अनाज के जगह पर, भोजन पर कुछ पैसे की मदद करें, जो 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक हम मदद किया करते। आज की जो ये विश्वव्यापी कोरोना जैसी महामारी है, उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो निम्न मध्यम वर्ग का व्यवसायी और मध्यम वर्ग का व्यवसायी।
कहीं ना कहीं वो बैंक से ऋण लेके व्यक्तिगत स्तर पर कर्जा लेकर वो अपने कारोबार को कर रहे थे। जहां तक मेरी नजर देख रहा है, समझ बता रहा है कि ये महामारी से बहुत लोग इसमें दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए हमारी बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो और भारत सरकार से हमारी मांग है कि इनके लिए भी एक बड़ी घोषणा करें जिससे इन्हें भी जान में जान आए। बिहार राज्य सरकार से हमारी एक मांग रहेगी कि संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके 7 साल से वेतन नहीं मिले हैं, आप उन पर भी ध्यान दें। आपने 3 साल का उन्हें अनुदान की राशि पास किया है लेकिन उनके पास पहुंचा नहीं है, आप इस विकराल स्थिति में उन्हें भी मदद करने का प्रयास करें। जो 48 शिक्षक 2 महीने से जिनको वेतन नहीं मिला है उन्हें भी मदद करने का प्रयास करें। रही बात गरीब की, जितनी घोषणाएं सुनी जा रही है उतने गरीबों के पास अन्न पैसा पहुंच नहीं पा रहा है। और हम कहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग का कोई भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, मीडिया के साथी, उनका भी आप ध्यान दें। भारत सरकार ने एक घोषणा की कि पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्स की इस तरह की घटनाओं में यदि मृत्यु हो जाती है उसे 50 लाख का इंश्योरेंस देंगे। हम यहां भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि प्रेस के मीडिया साथियों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों या जो सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव हो, यदि उनके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो उनके लिए भी 50 लाख का इंश्योरेंस की घोषणा करें, जिससे कि मीडिया के साथी भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी दिलो जान से समाज के लिए शब्द करते रहे हैं वो करते रहे हैं। इस आशा के साथ कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई भाई भाई हैं, हम सभी मिलकर कोरोना जैसी विश्वव्यापी आपदा से जरूर जीतेंगे। डर के आगे जीत है, इसलिए लोगों से कहना चाहेंगे कोरोना से डरिए, आप 100% जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप भारत सरकार और राज्य सरकार का जो घोषणा है उनको फॉलोअप करें, उसके साथ चलें, कोरोना से हम 100% जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।